नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। कुंडली के आधार पर किसी भी व्यक्ति का भविष्य तो जाना ही जा सकता है, साथ ही किसी के स्वभाव को जानने में भी आसानी होती है। इतना ही नहीं, राशि के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी पता लगाया जा सकता है। सभी 12 राशियों में कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं तो कुछ के स्वामी शुक्र हैं। दोनों ही ग्रहों का विवाह का कारक माना गया है। मान्यता है कि गुरु ग्रह लड़कों की शादी के कारक होते हैं तो शुक्र लड़कियों की शादी के कारक माने जाते हैं। कुंडली में दोनों में जिसका जो भी ग्रह मजबूत होता है उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। आज हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी ही 3 राशियों की लड़कियों के बारे में जानेंगे जो शादी के बाद पति के लिए भाग्यशाली सिद्ध होती हैं। ये बुरे से बुरे वक्त में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती हैं, इसी कारण इनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आइए जानते हैं 3 राशि की लड़कियों के बारे में। पहली है वृषभ राशि की लड़कियाँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि की लड़कियाँ शादी के बाद पति की किस्मत चमका देती हैं। इस राशि का स्वामी शुक्र है और आराध्य माँ दुर्गा है। इस राशि की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, माँ दुर्गा की कृपा से बहुत बुद्धिमान भी होती हैं। इसके अलावा कहते हैं कि ये लड़कियाँ कला प्रेमी होती हैं। ये पति के लिए बेहद भाग्यशाली होती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, जीवन में ऊँचा मुकाम हासिल करती हैं। कर्क राशि है दूसरी राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और आराध्य शिव जी हैं। बता दें कि इस राशि की लड़कियाँ स्वभाव से शांत होती हैं, भावुक होती हैं। लड़कियाँ हर हालत में पति का साथ देती हैं और कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ये लड़कियाँ बुरे से बुरे समय में भी अपने पति का साथ देती हैं। ज्योतिष में कर्क राशि की लड़कियों को उनके पति कोहिनूर हीरा कहते हैं। मीन राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और आराध्य श्री हरि विष्णु जी हैं। इस राशि की लड़कियों की रुचि धर्म कर्म में ज्यादा होती है। लड़कियां पति से बेहद प्यार और सच्चा प्यार करती हैं। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ससुराल पक्ष से भी इनका संबंध मधुर होता है। लड़कियाँ पति के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।